दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला जीत गई है। इस मुकाबले में मोहम्मद रिजवान अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। जहां श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन श्रीलंका की टीम की ओर से कुशल मेंडिस सदिरा विक्रमा ने खतरनाक परफॉर्मेंस किया। उसी के साथ साथ श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान की टीम को 345 रन का टारगेट दे दिया। मोहम्मद रिजवान अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई। मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने खतरनाक परफॉर्मेंस कर लिया है और मोहम्मद रिजवान इस मैच में मैन ऑफ द मैच बन गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, हैदराबाद के ग्राउंड में पाकिस्तान की टीम के तमाम मुकाबले खत्म हो गए हैं। मोहम्मद रिजवान ने हैदराबाद के सभी फैंस को थैंक यू कहा है और ग्राउंड स्टाफ के साथ फोटो निकालते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों ने हैदराबाद के ग्राउंड स्टाफ के साथ फोटो निकाला है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों ने हैदराबाद के फैंस को धन्यवाद किया। हैदराबाद के कई सारे फैंस पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दें, पॉइंट टेबल में पाकिस्तान की टीम दूसरी पोजीशन पर आ गई है और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। पाकिस्तान की टीम के लिए प्लस पॉइंट मोहम्मद रिजवान नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, अब्दुल्ला शफीक ने आज सेंचुरी बनाई है। अब्दुल्ला शफीक ने आज 113 रन की पारी खेली है। दोस्तों आपको बता दें, श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच बने। मोहम्मद रिजवान भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों हैदराबाद के ग्राउंड में पाकिस्तान के तमाम मुकाबले खत्म हो गए हैं और हैदराबाद के ग्राउंड को मोहम्मद रिजवान ने दिल से थैंक यू कहा है। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड अपडेट लाते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।